लो जी मुकाबला स्टार्ट होता हुआ, गुड़गांव वर्सेस दिल्ली के बीच ये मुकाबला। और इस समय बल्लेबाजी पे चोकू भैया, गेंदबाजी पे मनीष राठी, और ये जो जंग है मनीष राठी वर्सेस प्रिंस यादव के बीच ये मुकाबला, टीम टीम का मुकाबला चलता हुआ मानेसर गुड़गांव में। 40,000 रुपये की जंग। और लोकेश मीना यहाँ पे नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद, विकेट के पीछे सूरज फरीदाबाद, और स्लिप पे लगे हैं भाई सुरेश रैना फ्रॉम गाजियाबाद। अच्छे ये मुकाबले दोनों ही टीमों में, बड़े बड़े प्लेयर। पहली गेंद हर चीज़ के रन है भाई, लेग बाई एक्स्ट्रास हर चीज़ के रन है, और दो ओवर का पावर पे पहली गेंद। और ऑफ स्टंपर कट, और गौरव के हाथ में झटपट कैच भाई, अच्छा कैच गौरव ने यहाँ पर बैठ के ले लिया भाई, और अब खुशियाँ मनाते हुए शानदार यहाँ पे सफलता पहली गेंद पर ही मनीष राठी दिलाते भाई। इस समय बहुत तगड़ी गेंदबाजी करने के लिए जाने जा रहे हैं और करके दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। बिग बेस्ट इन टूर्नामेंट इनका बहुत शानदार गया था, और अब टीम जुड़ती हुई यहाँ पे, गौरी सरदार भी मौजूद। अब बल्लेबाजी करने आते हुए नसू खान, सामने होंगे मनीष राठी, तगड़ी गेंद भाई, तगड़ी गेंद वहाँ पे, पीछे गौरव मौजूद, और डॉट बॉल आती हुई, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे मनीष राठी की, तगड़ा यॉर्कर करते हुए। दो गेंदें खाली अभी तक 8 ओवर का मुकाबला, तीसरी और फिर से तीसरी, अच्छी गेंद भाई, अच्छी गेंद पैरों से लगती हुई और डॉट बॉल आती हुई मनीष राठी की, और कर सटीक पड़ती हुई इस वक्त यहाँ पे मानेसर गुड़गांव के इस ग्राउंड में। मनीष राठी टीम के कप्तान, बेहतरीन गेंदबाज, कटर गेंद, लेग साइड की शॉट, और ये एरिया छोटा और रन छे आते हुए भाई, गौरी सरदार वहां मौजूद थे पर दूर रह गए भाई। चौथी गेंद पे छक्के से शुरुआत होती हुई, और अगली और तगड़ा यॉर्कर, बेहतरीन यॉर्कर मनीष राठी करते हुए यहाँ पे, डॉट बॉल सूरज फरीदाबाद के हाथ में जाती हुई। आखिरी गेंद सामने मारने की कोशिश, कवर टापना चाहते थे, खटिया टापना चाहते थे, और अच्छी डॉट बॉल, 5 गेंदों पे कोई रन नहीं, 1 छक्के से केवल ओवर की समाप्ति, 1 ओवर 6 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट यहाँ पे। एंड होता हुआ चेंज, हर ओवर में होगा बदलाव, और लोकेश मीना बल्लेबाजी पे अलवर की आन बान शान कहे जाने वाले लोकेश मीना। और ये पहली गेंद पर ही बेहतरीन चोटी की बॉल पड़ी और सीमा रेखा के बाहर बहुत दूर जड़ी भाई, शानदार छे लोकेश मीना के बल्ले से पहली गेंद पे निकलता हुआ चोटी फ्रॉम फरीदाबाद। एक उभरता हुआ गेंदबाज गेंदबाजी पे, और अच्छा यॉर्कर, वाइड यॉर्कर वहां पर फील्डर मौजूद, और केवल 1 रन आता हुआ। नसू खान बल्लेबाजी पे चोटी, अपनी कोटे की तीसरी गेंद लेके, और ये यॉर्कलैंड की गेंद थी, उसे रोकना चाहते थे थोड़ा सा, और यहाँ पे रनआउट का मौका जरूर बना था, पर सेफली पहुंचते हुए यहाँ पे लोकेश मीना। अगली गेंद चोटी की लोकेश मीना के लिए, लोकेश मीना और ये मारने की सो कोशिश, और फील्डर मौजूद, और कैच आउट भाई, लेग कटर डाली थी उसमें फंसाया, और बड़ी सफलता लोकेश मीना को यहाँ पर चोटी फरीदाबाद ने पवेलियन पहुंचाया भाई। अब बल्लेबाजी पे हेलमेट गुड़गांव आते हुए, चोटियों के सामने और डायरेक्ट बॉल लेग साइड में, और फ्लिक किया उसे वहां पे, फील्डर आ रहे हैं, क्या रोक पाएंगे, और भाई 2 रन जरूर बचाएंगे, और यहाँ पे सूरज फरीदाबाद के हाथ में जाती हुई गेंद। आखिरी गेंद चोटी की यहाँ पे, अभी तक अच्छी गेंदबाजी, डायरेक्ट बॉल, और वहां पर मनीष राठी मौजूद, मिस फील्ड के चलते क्या ये चौका जाएगा या 2 रन हो पाएंगे, और अच्छी फील्ड और 2 रन बचाते हुए, पर 2 रन आते हुए इस गेंद पे, ओवर की समाप्ति, फिर से एंड चेंज, 2 ओवर 19 रन, अपने कोटे का दूसरा और टीम का तीसरा ओवर लेके आके मनीष राठी, और यहाँ पे नसू खान हल्के हाथों से खेलते हुए, वहां पर फील्डर मौजूद है, और 1 रन आता हुआ। अगली गेंद यहाँ पे फेस करेंगे हेलमेट मनीष राठी, डायरेक्ट बॉल, और ये यहाँ पे कटर बॉल थी, समझ नहीं पाए, और पैरों पे जा लगी, डॉट बॉल। अगली गेंद मनीष राठी बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए, और इस वक्त अद्भुत यॉर्कर चढ़ते हुए भाई यहाँ पे, इनकी यॉर्कर का तोड़ मिलना इस समय नॉर्थ जोन के सभी खिलाड़ियों पे मुश्किल। सट्टू दिल्ली, गौरव गाजियाबाद, जुगनू गुड़गांव, सब बहुत सारे खिलाड़ी मौजूद, और ये यहाँ पे रहना किसे दूर भाई, और ये देखना होगा, और 4 रन जरूर बचाए, पर यहाँ पर एक मौका था यहाँ पे आउट करने का, कैच पकड़ने का, उसे मिस करते हुए। अगली गेंद फिर से हेलमेट के लिए मनीष राठी, और इस बार राठी की गेंद पे भाई मिड विकेट पार, धुआंधार यहाँ पे 6 लगाते हुए हेलमेट गुड़गांव भाई। अगली गेंद फिर से लेके मनीष राठी, क्या करेंगे यहाँ पे हेलमेट गुड़गांव, और ये अच्छी डीपर बॉल, और वहाँ पर फील्डर मौजूद, उनके पास जाती हुई 1 रन आता हुआ। 3 ओवर 29 रन, अगला ओवर लेके चोटी फिर से अपने कोटे का दूसरा आखिरी, और ये ऑफ स्टंप का शॉट, बेहतरीन फील्डर वहाँ मौजूद उनके हाथ में भाई, और एक और अच्छा विकेट मिलता हुआ यहाँ पे चोटी को, अच्छी शॉट जरूर लगाई थी हेलमेट गुड़गांव ने, पर फंसते हुए अपनी ही शॉट पे। बल्लेबाजी करने आते हुए ब्यूटी ऑफ देहरादून संस्कार ध्यानी पहली, और ये वाइड बॉल, वो गेंद हो गई थी भाई डॉट बॉल, तो अगली गेंद फिर से चोटी,
और ये तेज गति की गेंद, और देखना होगा एक रन मिलता होगा यहाँ पे। ओ पहुंच गए भाई, और एक रन आता होगा केवल। दोनों ही लेफ्टी बल्लेबाज अब क्रीज पे सामने चोटी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और नसु खान भाई साहब लॉन्ग ऑन के ऊपर से दूर ये 6 रन जड़ रहे हैं भाई। तगड़ी शॉट नसु खान के बल्ले से, दूसरा छक्का निकलता हुआ अभी तक। अगली गेंद यहाँ पे चोटी लेके नसु खान के लिए, और ऑफ स्टंप का शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद, कट जरूर किया था, केवल एक रन मिलता हुआ। संस्कार ध्यानी फिर से स्ट्राइक पे, आखिरी गेंद चोटी के ओवर की, और तगड़ा यॉर्कर, बेहतरीन यॉर्कर चोटी करते हुए यहाँ पे, और इसी के साथ होती हुई ओवर की समाप्ति। 4 ओवर 38 रन, और गौरव गाजियाबाद अगला ओवर लेके। और मैं आप सभी को बता दूं भाई, ये डे नाइट की बॉल नहीं है, सिक्सर की बॉल है। तो पहली गेंद यहाँ पे गौरव की, और मार दी लेग साइड में, वहां पर फील्डर मौजूद है, और एक रन आता हुआ केवल। नसु खान फिर से स्ट्राइक पे, इन्हें लंबा खेलना होगा क्योंकि इनके गेंद बल्ले से गेंदें लग रही है, और ये शॉट लेग साइड में, सट्टू टैली वहां मौजूद, ओहो मिस फील्ड, और रन 4 आते हुए भाई यहाँ पे, थोड़े अपने आप से निराश, रन गति थोड़ी सी बढ़ानी होगी। और ये शॉट सामने का, ये ऊंचा है, लंबा है, और बहुत दूर है भाई, अच्छी यहाँ पे ट्रैवल कराते हुए गेंद को नसु खान, यहाँ पे तगड़ी बल्लेबाजी करते हुए। ये गेंद है भाई नो बॉल, क्योंकि पिछली गेंद कर दी थी विकेट के बाहर, और ये फिर से बाहर से, और लेग साइड का दूर भाई, ये कम से कम 100 मीटर, और ये ग्राउंड पार मार दी। अगली गेंद 56 रन होता हुआ स्कोर, डायरेक्ट बॉल, और सामने का शॉट अच्छी, लो फुल टॉस गेंद थी वहां पर, जुगनू गुड़गांव मौजूद, और एक रन आता हुआ केवल। आखिरी गेंद यहां पे गौरव गाजियाबाद की, संस्कार ध्यानी फेस करेंगे, और ये लेग साइड में शॉट जरूर जड़ेंगे, पर ये खड़ी हुई है, ये खड़ी हुई है, देखना होगा ये सीमा रेखा के बाहर पड़ी हुई है। और यहाँ पे इस ओवर में संस्कार ध्यानी भी अपना बल्ला खोलते हुए शानदार 6, और गौरव गाजियाबाद थोड़े महंगे होते हुए 5 ओवर 64 रन। अगला ओवर लेके रहना गाजियाबाद, और ये गाजियाबाद से होते हुए गुड़गांव से मानेसर पार ये बॉल खोते हुए भाई, बहुत दूर छक्का, लंबे लंबे छक्के लगाते हुए यहाँ पे नसु खान भाई जान, यहाँ पे गेंद फिर से, और ये नो बॉल पर सफलता लगती हुई हाथ यहाँ पे, और अब चेक करना होगा भाई, नो बॉल है तो नॉट आउट रहेंगे यहाँ पर, अगली गेंद रहेगी फ्री हिट। ये गेंद है भाई फ्री हिट, तो देखना होगा नसु खान फ्री हिट पर क्या करते हैं, कटर गेंद को खड़ी करते हैं, और वहां पर फील्डर मौजूद है, और देखना होगा कैच ड्रॉप भाई, कैच ड्रॉप, और तीसरे की कोशिश, ओहो हो फंबल, और 3 रन चुरा लिए भाई यहाँ पे। अगली गेंद फिर से संस्कार इस बार सामने, क्या बड़े हिट लगा पाएंगे, और छोटी गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाएंगे भाई, और रन 6 लगाएंगे भाई। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे संस्कार ध्यानी भी करते हुए नसु खान के साथ, 3 गेंदें बाकी, क्या होगा, और ये कटर गेंद खड़ी हुई है, और देखना होगा मनीष राठी के हाथ से दूर पड़ी हुई है भाई, और जाते हुए बॉल के पीछे देखना होगा कितने रन मिलते हैं यहाँ पे, 2 रन आते हुए, और तीसरे की कोशिश भी, और देखना होगा, और रन आउट हो गए भाई यहाँ पे संस्कार ध्यानी, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे पर गलत रन भगाते हुए, और नसु खान उन्हें पवेलियन पहुँचवाते हुए। नसु खान फिर से स्ट्राइक पे, अगली गेंद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और अच्छी कटर बॉल यहाँ पे घूमती हुई, सुरेश रैना फ्रॉम गाजियाबाद के टॉट बॉल। आखिरी गेंद क्या होगा, कटर गेंद पे विकेट होगा, और नसु खान पवेलियन होगा, रैना यहाँ पर वापसी कराते हुए, और 2 सफलताएं इस ओवर में बड़ी दिलाते हुए। 6 ओवर 82 रन, जुगनू गुड़गांव अगला ओवर लेके, और ये वाइड यॉर्कर मारने की कोशिश, मनीष डेली थे बल्लेबाजी पे, और एक रन आता, और अब बल्लेबाजी पे, और मिस फील्ड के 4 यहाँ पे, खराब फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते हुए मनीष, इजी बाउंड्री मिलती हुई जुगनू को अगली गेंद, और ये कटर बॉल थी, लेग साइड की शॉट थी, वहाँ फील्डर मौजूद, एक रन आता हुआ। जुगनू अभी तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए, नवीन हुड्डा पहली गेंद फेस करेंगे, और ये लेग साइड में शॉट जड़ेंगे, पर वहाँ फील्डर मनीष राठी आते हुए क्या रोक पाएंगे, उनके ऊपर से रन 6 जाएंगे, क्योंकि ये एरिया भाई बहुत छोटा है 45 मीटर का। अगली गेंद और यहाँ पे जुगनू, और मारने की कोशिश लेग साइड में, ये भी गैप में जाती हुई, ये भी गैप में, पर वहाँ मनीष राठी मौजूद, अच्छी फील्ड, और 2 रन की कोशिश, और 2 रन मिलते हुए। अगली गेंद अभी तक अच्छे से कनेक्ट हुई नहीं है, और रिवर्स मारने की कोशिश, लेंथ बॉल मिस होती हुई, और डॉट बॉल आउट हो गया। आखिरी गेंद जुगनू की, देखना होगा क्या करेंगे नवीन हुड्डा इस गेंद पर, और ये जड़ेंगे सामने का शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद है, क्या पकड़ पाएंगे, कैच कर जाएंगे भाई यहाँ पे, और नवीन हुड्डा को पवेलियन जुगनू पहुंचाएंगे भाई। 7 ओवर 95, और रहना अगला ओवर लेके मनीष सामने, आखिरी ओवर है, कटर गेंद है, कवर्स की शॉट है, गैप में जा रही है, क्या 4 बता रही है, 6 बता रही है, और रन 4 भाई, अच्छी शॉट यहाँ पे मनीष डाली की।
99 जा पहुंचा स्कोर, एक रन दूर। कटर गेंद, अच्छी कटर गेंद, रैना की चॉट बॉल आती हुई। तीसरी गेंद अच्छी गेंदबाजी रैना की, कटर, और ये देखना होगा एक रन आता हुआ केवल। बल्ला लाते हुए बल्लेबाजी पे रहना, सामने डायरेक्ट बॉल है और वहां पर फील्डर मौजूद है, देखना होगा एक रन मिलता हुआ केवल। अगली गेंद, मनीष क्या कुछ करेंगे बची हुई गेंदों पे, कटर गेंद और इसको भी पढ़ नहीं पाए और वहां पे गैप में शॉट जाती हुई, खराब फील्डिंग और रन चार। खराब फील्डिंग का मुजाहरा दिल्ली की टीम पेस करती हुई यहां पे। आखिरी गेंद क्या होगा, डायरेक्ट बॉल होगा और हाथ में होगा और एक रन आता हुआ और नो बॉल चेक करने की बात करते हुए, गेंद होगी थी नो बॉल। तो अब आखिरी गेंद और फ्री टे गेंद, डायरेक्ट बॉल सामने का शॉट और देखना होगा वहां पर जुगनू मौजूद, अच्छी फील्डिंग जरूर की पर दो रन लेने की कोशिश और दो रन मिलते हो और एम्पायर कहते हो बॉल नहीं लगी भाई। सेकंड इनिंग होती हुई स्टार्ट, 109 रनों का टारगेट 8 ओवर में, अभी दो ओवर का पावर प्ले रहेगा और सूरज फरीदाबाद तगड़ा बल्लेबाजी पे सट्टू लेफ्टी नॉन स्ट्राइक पर, भोलू पहली गेंद लेके डायरेक्ट बॉल लेग साइड की शॉट, गैप में हेलमेट वहां मौजूद है पर उनसे दूर और रन चार जाते हुए भाई। यहां पहली गेंद खराब गेंद भोलू की पड़ती हुई, सूरज फरीदाबाद को पहली गेंद पर अच्छी शुरुआत मिलती हुई, भोलू की दूसरी गेंद तेज में गेंद करने की कोशिश, वहां पर हेलमेट गुड़गांव मौजूद और संस्कार यानी बैकअप में मौजूद, एक रन आता हुआ सट्टू लेफ्टी। अब स्ट्राइक पे यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, बड़े बड़े हिट लगाते हैं और ये पहली गेंद तेज गति की, वहां पर फील्डर नसुकान मौजूद, डॉट बॉल आती हुई भाई यहाँ पे, अच्छी गेंद यहाँ पे भूलू की। अगली गेंद सट्टू लेफ्टी यहाँ पे एक ही मकसद से आए हैं कि डायरेक्ट बॉलों को गेंदों को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाएंगे और वही काम करते हुए इस गेंद पे दूसरा चौका इस ओवर से आता हुआ, लो फुल टॉस गेंद पे सट्टू लेफ्टी को भी अच्छी शुरुआत मिलती हुई। अगली गेंद यहाँ पे भूलू की, डायरेक्ट गेंद खड़ी हुई है सामने वहां पर प्रिंस यादव के हाथ में पड़ी हुई है और भाई चेक होगी नो बॉल यहाँ पे चेक करने के लिए बोलते हुए, देखो भाई नो बॉल को लेके यहाँ बहस होगी मनीष भाई और प्रिंस यादव के बीच, जिनके बीच ये मुकाबला है। अब देखना होगा क्या डिसीजन निकलेगा क्योंकि एम्पायर्स ने यहाँ पे नो बॉल दी नहीं है, तो इसलिए कैमरा भी चेक करने के लिए यहाँ पे दूसरी टीम मना कर रही है भाई। अब देखना होगा क्या होगा भाई, हेलमेट गुड़गांव यहाँ पे और ये देखिए संस्कार ध्यानी भी सोचते हुए, देखिए क्या कर रहे हैं ये देखो सिस्टम है भाई। लो भाई और वो भाई विकेट हो गई थी, तो अब गौरी सरदार बल्लेबाजी करने आते हैं। आखिरी गेंद पे पहली गेंद का छक्का लगाते हुए यहाँ पे गौरी सरदार सामने के तगड़े प्लेयर और वही काम करते हुए इस ओवर को अच्छे स्कोर में परिवर्तित करते हुए यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी गौरी सरदार और सूरज फरीदाबाद, इतने देर खड़े रहेंगे दूसरी टीम के लिए नाक में दर्द रहेगा। एक ओवर 15 रन, अगला ओवर लेके संजू सामने सूरज फरीदाबाद, छोटी गेंद को लेग साइड में खेल दिया वहां फील्डर नवीन उड्डा और भाई कैच ड्रॉप हो गया भाई यहाँ पे, बड़ी सफलता हाथ लग सकती थी सूरज फरीदाबाद के रूप में। परी सरदार बल्लेबाजी पे पावर प्ले का इस्तेमाल करना चाहेंगे और ये तो बहुत दूर छक्का मिड विकेट पे भाई सीमा रेखा के बाहर लगाएंगे गौरी सरदार, अपने आप को दो गेंदों पे दो छक्के मार के तगड़ा बताएंगे बल्लेबाजी अभी तक करते हुए। और ये ऑप्शन पर कैच यहाँ पे हेलमेट शानदार पकड़ते हुए भाई, तगड़ा कैच यहाँ पे, जिस तरीके से पहला झटका लगा था गुड़गांव की टीम का उसी तरीके से गौरी सरदार भी पवेलियन जाते हुए और यहाँ पे खुशियां मनाते हुए गुड़गांव की और गौरी सरदार पवेलियन गिरा। और अब चौबे अब बल्लेबाजी करने आते हुए, अच्छी बल्लेबाजी इन्हें करनी होगी और ये शॉट लेग साइड में गैप में जड़ते हुए और रन चार मिलते हुए भाई यहाँ पे, अच्छी शॉट पावर प्ले का इस्तेमाल सौरभ चौबे करते हुए। अगेन संजू की रिवर्स मारने की कोशिश और गैप में ये बॉल जाती हुई, फील्डर वहाँ बैकअप में मौजूद और एक रन आता हुआ। सूरज फरीदाबाद के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी और जिम्मेदारी पे यहाँ पे साबित होते हुए और रन छे लेग साइड में चढ़ते हुए भाई रन छे। फ्री टी अगेन, आखिरी गेंद जरूर है महंगा पावर प्ले और ये शॉट और संस्कार यानी के हाथ में पर यहाँ पर कोई नुकसान नहीं, सूरज को एक और जीवनदान मिलता हुआ। ओवर की समाप्ति, दो ओवर 34 रन और अगला ओवर लेके प्रिंस यादव सामने सौरभ चौबे तो और तेज गेंद, अच्छा बॉल भाई प्रिंस यादव तेज गति के गेंदबाज है और रणजी कैंप में भी कैंप भी ज्वाइन करके आए अभी दो दिन पहले, लोकेश मीना विकेट के पीछे मौजूद यहाँ पे डैशिंग लुक में। अगली गेंद दूसरी गेंद प्रिंस के और काफी महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि ये गेंद तेज रहेंगे और डॉट बॉल में रहेंगे भाई, तगड़ी गेंद यहाँ पे प्रिंस करते हुए। यहाँ पे सभी खिलाड़ियों का कहना कि आईपीएल तक ये गेंदबाज नजर आएगा और ये तेज गेंद से बीट कराएगा और अब यहाँ पर स्ट्राइक चेंज होती हुई, अब अच्छी जंग देखने को मिलेगी सूरज फरीदाबाद प्रिंस, ये अच्छी बैटल रहेगी, अच्छी जंग
प्रिंस यादव सूरज फरीदाबाद के संग तगड़ा यॉर्कर, बेहतरीन यॉर्कर भाई। यहाँ पे प्रिंस अपनी अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी का जादू दिखाते हुए यहाँ मानेसर के ग्राउंड में चार गेंदों पर केवल एक रन आता हुआ। प्रिंस कटर गेंद, और ये कटर गेंद वहां पर संस्कार ध्यानी मौजूद है, बॉल पर आ रहे हैं, एक रन मिलता हुआ केवल, अच्छी गेंदबाजी। आखिरी गेंद, क्या ये ओवर बेहतरीन खत्म होगा यहाँ पर या बड़ी हिट देखने को मिलेगी। तगड़ा यॉर्कर, हेलीकॉप्टर उड़ा, वहां संस्कार ध्यानी आ रहे हैं, अच्छी फील्ड भाई, और तीन रन बचाए। ओवर की समाप्ति, तीन ओवर 37 रन, और अगला ओवर लेकिन सुखान और सामने होंगे सौरभ चौबे। यहाँ पे पहली गेंद सुखान की और सामने का शॉट, संस्कार ध्यानी मौजूद, अच्छी फील्ड, अच्छी तगड़ी फील्ड भाई, यहाँ पे चार रन जरूर बचाए और सिंगल भी रोका भाई। यहाँ इस ओवर में अच्छे रन बनाने होंगे क्योंकि टारगेट बहुत ऊपर हो जाएगा। और ये तेज गेंद, वाचा गेंद, और यहाँ पर लोकेश मीना जोश में उन्हें स्नीक की अपील लगी थी, यहाँ पे जॉट बॉल, इस एंड से उल्टी हवा चलती हुई, मुश्किलात अभी तक। और इस सौरभ का अच्छा शॉट और पीछे की तरफ जाता हुआ, और ये यहाँ पे चार रन बताता हुआ। थोड़ा सा लाइन से भटकने का खामियाजा भुगतते हुए नसुखान, और ये फिर से यॉर्क लाइन की गेंद, सौरभ बड़ी हिट नहीं लगा पा रहे हैं, और जॉट बॉल। अगली गेंद यहाँ पे देखना होगा क्या होता है, और ये शॉट होता है, लो फुल टॉस गेंद को सीमा रेखा के बाहर, यहाँ सौरभ चौबे खोता है भाई, अच्छी शॉट भाई। आखिरी गेंद, हवा तेज चलती हुई यहाँ पे, और 10 रन इस ओवर में आ चुके हैं, और ये फिर से शॉट वहाँ पर फील्डर आते हुए, 2 रन का मौका, अच्छी फील्ड, यहाँ पे 2 रन बच, केवल एक रन आता हुआ। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर 48 रन, अगला ओवर लेके प्रिंस अपने कोटे का आखिरी, और यहाँ पे देखना होगा। तगड़ा यॉर्कर, लो फुल टॉस तेज गति से आती हुई नरसुखान बॉल पे आते हुए, मेहनत करते हुए, और एक रन मिलता हुआ केवल। सूरज फरीदाबाद को दिखाने होंगे यहाँ बड़े बड़े शॉट, सूरज को बड़े हिट लगाने होंगे। और प्रिंस के बारे में मैं आपको बता दूं, दिल्ली रणजी के एक गेंदबाज है और आईपीएल खेलते हुए नजर आ सकते हैं इस बार, और ये एक रन आता हुआ केवल। इस ओवर में अगर बाउंड्री नहीं आएंगी तो मुकाबले में बहुत ऊपर हो जाएगी गुड़गांव, और ये सामने का शॉट खड़ी हुई है नवीन हुड्डा के हाथ में पड़ी हुई है भाई। यहाँ पे प्रिंस यादव तगड़ी सफलता, राव साहब अच्छी सफलता दिलाते हुए यहाँ पे, और लोकेश मीना ने जिस चीज के लिए ओवर कराया था वही चीज करके दिखाते हुए यहाँ पे प्रिंस यादव। और अब बल्लेबाजी करने आते हुए जुगनू गुड़गांव, बड़े बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं, और तगड़ा यॉर्कर बोल्ड कर दिया भाई, यहाँ व्हाट अ बॉल बाय प्रिंस यादव भाई, राव साहब ने डंडे फाड़ दिए भाई यहाँ पे, तगड़ी गेंदबाजी, तगड़े बल्लेबाज थे यहाँ पे जुगनू गुड़गांव, पर उनके आगे एक तेज तर्रार स्पीड एक्सप्रेस प्रिंस यादव, राव साहब विकेट लेते हुए बल्लेबाज ने, और यो हो कैच ड्रॉप होता हुआ भाई यहाँ पे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, और ये सिंगल जाता हुआ भाई, सिंगल जाता हुआ। अगली गेंद, सूरज फिर से स्ट्राइक पे, डायरेक्ट बॉल, और ये खराब गेंद, नतीजा 6 रन के लिए सेम भाई यहाँ पे, तगड़ी शॉट, सूरज अपने ही जोन में, अपने ही स्टाइल में, अपने ही एरिया में लगाते हुए। 5 ओवर 57 होते हुए और 3 ओवर में 52 रन चाहते हुए नसुखान अगला ओवर लेके आते हुए रिवर्स मारा यहाँ पे, पर फील्डर वहाँ मौजूद, और केवल एक रन आता हुआ। सूरज फरीदाबाद के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड, क्योंकि यहाँ से अगर ओवर बड़ा नहीं किया गया तो पीछे हो जाएंगे मुकाबले में। और अच्छी यॉर्क लाइन की गेंद, और एक रन मन मार के लेते हैं नवीन हुड्डा आते हुए गेंद पे, मुगली स्ट्राइक पे, बड़े बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं, और ये कनेक्ट नहीं होती हुई, और लैग भाई का एक रन आता हुआ। अगली गेंद फिर से नसुखान की, अभी तक 3 गेंदें काफी अच्छी पड़ती हुई, रिवर्स की शॉट हाथ में जड़ती हुई भाई यहाँ पे, अच्छा कैच यहाँ पे फील्डर का, और बड़ी सफलता। सूरज फरीदाबाद जिनके ऊपर काफी कुछ डिपेंड था, अच्छी शॉट मारना चाहते थे पर इस वक्त आउट होके पवेलियन जाते हुए। आमिर गुड़गांव बल्लेबाजी पे आते हुए नसुखान की आखिरी 2 गेंदे कैसी करेंगे लेफ्टी को, और लेफ्टी को करेंगे संस्कार ध्यानी, व्हाट अ कैच भाई, व्हाट अ कैच भाई यहाँ पे, तगड़ा कैच संस्कार ध्यानी पकड़ते हुए भाई यहाँ पे, और नसुखान को एक और सफलता मिलती हुई यहाँ पे। अच्छी पहले बल्लेबाजी करी थी नसुखान ने, बड़े बड़े हिट लगाए थे, और उसके बाद शानदार गेंदबाजी, और ये देखिए यहाँ पे हेलमेट गुड़गांव चाहते हुए उन्हें सपोर्ट करने। रैना गाजियाबाद बल्लेबाजी पे काफी लेट आए हैं, अब देखना होगा क्या करेंगे यहाँ से, रिवर्स मारने की कोशिश, पैर पे लगती हुई, और ये अच्छी ओवर की समाप्ति। पिछले ओवर में केवल 3 रन आए थे तो 2 ओवर में 48 रन चाहते हुए, और सामने का शॉट नवीन हुड्डा के हाथ में लगाते हुए यहाँ पे, और मुगली पवेलियन जाते हुए। और अब औपचारिकताएं मात्र शेष दिखती हुई इस मुकाबले में, मनीष राठी अब बल्लेबाजी पे, जो आमतौर पर गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। अगली गेंद और अच्छी शॉट, और नसुखान मौजूद उनके ऊपर से, रन 4। अगली गेंद और ये रिवर्स मारने की कोशिश, अच्छी गेंद, डॉट बॉल यहाँ पे, भूलू तेज तेज गेंदे करते हुए।
और पैर में यॉर्कर, फिर से डॉट बॉल। इसी के साथ मुकाबला समाप्त और पहला मैच यहाँ पे गुड़गांव डेली मिक्स की टीम जीती हुई। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, लोकेश मीना का चेहरा पसंद आ रहा हो तो देखें यहाँ पे वीडियो को एंड तक। बाय बाय।